VFD पे सिंगल फेज चीजें किस तरीके से चलाई जाती हैं, मुकम्मल सेटिंग इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और इसमें लाइव प्रूफ आपको 3x3 का वाटर पंप भी चेक करवाते हैं वो किस तरीके से चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फायद इलेक्ट्रिक, मेरा यूट्यूब चैनल। ये 8 हमने सोलर पैनल लगाए हैं बाईफिशियल 585 वाट इनवर्टर्स के हैं और यहाँ पे ये हमारी VFD है। इस पे हमने वेल्डिंग प्लांट चलाकर इन पैनल की मदद से इसका स्ट्रक्चर जो है वो वेल्डिंग किया है। तो अभी इस पे हमने जो है वो 3x3 का एक जो है वो वाटर पंप उसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि वो कितनी दूर है। इसमें कम अज कम जो इसकी वायर की लेंथ है वो 650 मीटर के लगभग है। तो आप वहाँ पे जाकर, आपको ये रास्ता इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको प्रूफ हो सके इस चीज़ का कि यहाँ पे ये कितनी दूर वाटर पंप जो हमने इस पे चलाया है। घर में VFD रखी है और जो छत पे स्ट्रक्चर हमने बनाया है आपके सामने 8 पैनल का है और उसी जो हमने जो पहले बिजली पे चलता था ये वाला जो 3x3 का रूटर पंप है, तो अब इसको जो है वो यानी कि हमने कन्वर्ट किया है सोलर पे। अगर आप इसको बिजली पे भी चलाना चाहते हैं वो भी इसके साथ चेंज ओवर कर देंगे ताकि रात के टाइम ये बिजली पे भी चल सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं, रूटर जो बेहतरीन वर्क कर रहा है और फुल प्रेशर के साथ इस वक्त पानी दे रहा है। ऊपर आप मौसम भी चेक कर सकते हैं, हल्के हल्के बादल हैं लेकिन फिर भी इतनी दूर ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। आप चेक कर सकते हैं प्रेशर इसका, तो इसका जो वाटर लेवल है वो काफ़ी यानी कि ऊपर है इतना ज़्यादा आप, क्योंकि अगर नीचे होता तो ज़ाहिर है इसमें कुआं वगैरह निकालना पड़ता, लेकिन हमारे एरिया में जो पानी का अल्हम्दुलिल्लाह लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर है और प्रेशर इसका आप चेक कर सकते हैं। तो इस पे जो वो बाज़ इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पे पानी कम होता है इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा पैनल लगाने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 पैनल हैं तो उस पे 3 हॉर्स पावर का ये मोनोब्लॉक रोटर पंप चल रहा है। तो अभी इसकी सिंगल फेज पे जो सेटिंग करनी है वो आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग किस तरीके से करनी है। आपने सबसे पहले PE वाला प्रोग्राम वो आपने खोलना है, उसमें आपको कोड लगाना पड़ेगा 40721, ये इसका प्रॉपर कोड होता है। उसके बाद इसके जो वोल्टेज आपने सिलेक्शन करनी है वो आपने 220 रखने हैं। मैंने इस पे पहले ही सेटिंग कर दी है तो अभी आपको दिखाने के लिए ये दोबारा फिर हम इसका प्रोग्राम जो है वो खो रहे हैं। यहाँ पे ये देखें 220 हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर आपने 3 फेज चलाना है तो आप इसको 380 पे रख के चला सकते हैं और इसमें कुछ इसकी और इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है जो आपने करना लाजमी होती है। यहाँ पे पैनल के जो वोल्टेज हैं वो 800 सेलेक्ट हुए हैं, आप इसके पैनल कम है तो आप इसको 500 पे रख के चला सकते हैं। 500 अगर वोल्टेज आपके कम आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा और बढ़ाकर इसको बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी दूसरी ये वोल्टेज वाली सेटिंग आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। तो वोल्टेज अगर आपने 3 फेज रखना है तो इसके वोल्टेज आपने 380 रखने हैं, अगर सिंगल फेज चलाना है तो यहाँ पे ये वोल्टेज आपने PE वाली सेटिंग में आपको ये 4 नंबर पे वोल्टेज की सिलेक्शन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 380 हैं, आप जो सिंगल फेस पे करेंगे तो 220 आप इसको रख के चला सकते हैं। तो उसके बाद इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है वो आपको दिखाता हूँ कि वो आपने कौन सी सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग जो इसके RPM हैं यानी कि इस मोटर के जो चक्कर हैं वो आपने कितने रखने हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे जी P2 में, तो यहाँ पे अगर 1 है तो आपने 0 कर लेना है। उसके बाद किसी और सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, फिर आपने प्रेस करते जाना है आगे। तो यहाँ पे आपको ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ये है इसके जी RPM, यहाँ पे आपने जो करना है कि वो 2850 इसके RPM करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये P2 में सेटिंग है। तो उसके बाद P0 वाली सेटिंग और PB की सेटिंग भी आपको सिखाते हैं। तो इसको आपने जो सेलेक्ट करके बैक आ जाना है। अब हम जाएंगे PB वाली सेटिंग में, जो PV हमने इंटर किया इसमें यहाँ पे 1 होगा, आपने 0 का लेना है सिंगल फेस चलाने के लिए।
अगर थ्री फेज पे चलाएंगे तो वन रहने था वो उसकी प्रोडक्शन मोटर की प्रोडक्शन के लिए होती है। तो उसके बाद यहाँ पे इसके जो 100 तक होगा तो आपने इसको 70 पे करके मोटर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर पानी कम है तो आप थोड़ा सा इसको और बढ़ा सकते हैं। तो 70 लास्ट इसको 70 पे रखना है। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है, तो कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको समझाता हूँ। बाकी आपने इसको कोई इतना ज़्यादा छेड़ना नहीं है। आप जाते हैं P0 वाली सेटिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे एक चीज़ समझाते हैं ताकि आपको उसकी समझ आ सके। तो P0 वाली सेटिंग हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे इसकी एक और चीज़ होती है, जो ये जो VFD रन होती है यानी इसकी स्टार्ट करते हैं तो ये कम से कम 10 सेकंड लेती है। तो आप इसको यहाँ पे जो है वो P0 वाली सेटिंग जो है वो उस पर आप इसको 10 पे यानी कि 10 नंबर वाली सेटिंग पे ये सेटिंग आएगी। तो यहाँ पे आपने इसको कम कर सकते हैं सेकंड, यानी कि आप 5 सेकंड चला सकते हैं, 0 पे कर सकते हो, एकदम स्टार्ट होगी। तो यानी कि इसको ऑफ